फांसी लगाओ किसी भी मध्य प्रदेश मुंगावली से सीधी जम्मू टकराती हुई और माँ वैष्णो देवी के धाम पहुंचे। झोलामा झोलामा थोड़ी देर के लिए खुद को भूल जाओ, जो भी भक्ताएं हो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, खुद को भूल जाओ, मन में ले आओ कि हम वैष्णो धाम में हैं और बस एकत्रित हो के सारे सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जा रहे हैं। झोलामा झोलामा जय जय झोलामा, झोलामा झोलामा जय जय झोलामा, झोलामा झोलामा जय जय झोलामा। माँ जिस आंगन चल कर आए वो आंगन है फूल का फलता, वो आंगन है फूल का फलता, वो आंगन है फूल का फलता। आंगन चल कर आए वो आंगन है फूल का फलता, वो आंगन है फूल का फलता, वो आंगन है फूल का फलता। ये लाइनें, ये लाइनें सब पे बहुत अच्छे से सूट करती हैं। वो आंगन है फूल का फलता, माँ माँ जिस आंगन चल कर आए वो आंगन है फूल का फलता। बता आप लोग ये लाइनें, देखो शांति रखो, शांति रखो, एक बार कह दो प्रेम से जय माता की, जय माता की। माँ जिस आंगन चल कर आए वो आंगन है फूल का फलता, ये लाइनें सब पे बहुत अच्छे से शूट करती है क्योंकि माँ की विशेष कृपा है, इसीलिए भोलेनाथ की कृपा है मध्य प्रदेश के भक्तों पे, इसीलिए कृपा है। वही अगर देखा जाए इसके लिए मैं भी बड़ी भाग्यशाली हूँ। मैं मंत्री जी को याद आना होगा, धुंधला धुंधला होगा लेकिन मैं याद दिलाती हूँ। समय क्या हो रहा है, आज के ठीक 32 साल पहले उस समय नौमी आज की डेट पर थी, 1 अक्टूबर को 32 साल पहले मेरे घर में नवरात्रि की कन्याएं खिलाई जा रही थी। 8 कन्याएं थी पूरी, 1 कम थी, 1 कम थी मात्र। उसी समय अंदर कमरे से आवाज आती है, नवी भी आ गई यानी मैं। माँ जगत जननी ने विशेष कृपा की जो नवरात्रों के पावन पर्व पे 1 अक्टूबर को मुझे इस धरती पे भेजा और जिस लक्ष्य के साथ में भेजा वो लक्ष्य भी मैं करती जा रही हूँ। माँ की कृपा जो आज मेरा जन्मदिन है, आंगन चल कर आए वो आंगन है फूल का फलता, वो आंगन है फूल का फलता, वो आंगन है फूल का फलता। मेरी इस बार मन में था कि मैं इस बार घर पे अपना जन्मदिन मनाऊंगी। मंत्री जी मेरा मन था कि मैं घर मनाऊंगी लेकिन जब आपका फोन पहुंचा तो मैं फिर आपको मना नहीं कर पाई। मैंने कहा ये भी मेरा घर है और इतने बड़े परिवार का मुझे प्यार मिलेगा और क्या चाहिए। माँ जिस आंगन चल कर आए वो आंगन है फूल का फलता, वो आंगन है फूल का फलता, वो आंगन है फूल का फलता। सब भक्तों को आपकी मुरारी ज्योति से भी नूर मिलता, ज्योति से चल बाली की महर से।
जरा प्रेम से बोलो सारे बोलो, जरा हाथ उठा लो और जोर से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की, हारे के सहारे की। आज मैंने बोला नहीं, आज महसूस हो रहा है कि आज रंगावली के कीर्तन में पूरा ब्रह्मांड आकाश मार्ग के द्वारा होकर आया है। अभी हम शुरू में थे अयोध्या, अयोध्या शुरू में थे, उसके बाद मेहंदीपुर, मेहंदीपुर गए और उसके बाद वैष्णो धाम, और अब चलते हैं सीधा कोई भी शुभ घड़ी होती है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम ईश्वर से ही शुरुआत करते हैं। और आज मैं मेरे जन्मदिन के अवसर पे बाबा श्याम का, सभी देवी देवताओं का, आप सबका इतना प्यार पा रही हूँ। मैं इस प्यार और सम्मान के लिए क्या बोलूं, इतना दिया सरकार ने, जितनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे उस प्यारे का, वरना मुझ में तो कोई ऐसी। उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा। जो इसके दरबार एक बार आ जाता है, पिछली बार यहाँ पे कौन कौन था, एक साल पहले कीर्तन में कौन कौन था, ये था, उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा। मानती माननीय मंत्री जी से, जब मेरी आज के ठीक एक साल पहले वार्तालाप हुई थी तो मंत्री जी का कहना था कि मैं पहली बार कीर्तन सुन रहा हूँ, पहली बार कीर्तन सुन रहे, और शुरू से लेके जब तक समापन नहीं हुआ तब तक एक जगह बैठ के और वो कीर्तन सुनते रहे। तब भी मैंने यही बोला था कि आप एक बार आते गए इसके दरबार, अब बार बार आओगे, क्योंकि ये नशा ऐसा है, ये नशा ऐसा है, जो एक बार आ जाता है वो बार बार जाता है। उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा, उसे आना पड़ेगा खाटू में दोबारा। जो बाबा को मनाना चाहते हैं, जो खाटू वाले को बुलाना चाहते हैं, एक बार प्रेम से जयकारा लगाओ, बोलो हारे के, ऐसा है हारे का सहारा।
लगता है
बड़ा है ना, किसका किसका मेरा तो बड़ा है, जो मांगा पूरा किया है, आपका किसका किसका भरा भर देता के लिए। अहो भाग्य हमारे जो आप सभी के मैंने दर्शन पाए। ये परिवार हमारा, एक बार इस परिवार के लिए जोरदार तालियां। कोई भी परेशानी होगी, और पहले तो बाबा के भक्तों को कोई परेशानी छू भी नहीं सकती। तूफान आने वाला होता है, लेकिन उसके प्रेमियों पे वो तूफान हवा के झोंके की तरह आता है और कब चला जाता है पता भी नहीं लगता है। एक समय आया परेशान, बाबा क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। तभी मोबाइल में व्हाट्सएप पे मुझे याद आया, एक मैसेज आया जिसको मैंने ओपन किया। मैं किससे कहानियां नहीं सुनाती हूँ, जो प्रैक्टिकली होता है वो बताती हूँ। मोबाइल खोला, सामने एक मैसेज था, उसको ओपन किया। जैसे ही ओपन किया तो उसमें लिखा था, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। प्यारे, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जब तक आपके साथ आपका खाटू वाला है, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। विश्वास रखना पड़ेगा हमेशा को। धीरज देता है सब आना पड़ेगा।
जिसने इसे निहारा उसे आना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा सच्चे दरबार की। एक बार वो सब मिलके जयकारा लगा लो, जो खाटू में लगाते हो, जो लाइन में चलते हुए लगाते हो, टोली में शामिल हो के लगाते हो, बोलो हारे के। कहां से आए हो? फतेहगढ़ एमपी में तो बैठे हो अपने प्यारे। एक बार प्रेम से कह दो हारे के सहारे की, सच्चे दरबार की, लखदातार की। पता क्यों आए हो? क्योंकि ये नशा वो है जो रुकने नहीं देता है। इसके बारे में बस पता लग जाए, खाटू से खाटू वाला आया है, पता लग जाए, पता लगते ही वो एक डोर फेंकता है और खींच लेता है, और हम भी आंख बंद करके खींचे चले आते हैं। श्याम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है, प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है। श्याम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है, श्याम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है। श्याम प्रेम से बढ़ के दूजी कोई सौगात नहीं है, श्याम प्रेम से बढ़ के दूजी कोई सौगात नहीं है। तुमको पाके इस जीवन की, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरे नाम के पास हमें दुनिया की परवाह, तेरे नाम के पागल है हमें दुनिया की परवाह। तुम लोग बैठोगे नहीं? बैठिए प्यारे भक्तों, सुन लीजिए भजनों को। अरे ये बड़ी मुश्किल से आता है, बड़ी मुश्किल से। यहां से कौन कौन खाटू जाता रहता है? इधर से नीचे करो। कौन कौन अब तक नहीं गया ये भी बताओ, आगे वाले भी बता सकते हो। गए हैं एक बार, और एक आप सबको भी एडवाइस दूं अपनी तरफ से, जो नहीं गए ये आगे वाली लाइन वाले, एक एडवाइस, जाना भी नहीं, जाना भी नहीं। बजे है, बजे है, सुनो। मत पालो शौक तुम खाटू की उन गलियों में जाने का, मत पालो शौक तुम खाटू की उन गलियों में जाने का, कसम खा के कहती हूँ रास्ता नहीं है फिर वापस। मन नहीं लगेगा कहीं खाटू में डोलते रह जाओगे जैसे। ये देखो, हर दिन हर पल तेरे प्रेम की मस्ती चढ़ती जाए, हर दिन हर पल तेरे प्रेम की मस्ती चढ़ती जाए, हर दिन हर पल हर
तेरे नाम के पागल हमें दुनिया की परवाह नहीं। दुनिया से ही कहती है जो जो इनके दरबार जाते हैं वो पागल ही हो जाते हैं। मैं तो सोच रही थी मैं ही हूँ, यहाँ आके देखो तो सारे हैं। मिले हो तुम बाबा उधर भी फैला है। आज जिस तरफ देखो नशा तो हर तरफ फैला। यहाँ नशा कौन कौन करता है, कौन कौन करता है बता दो, जो जो करते हैं। अगर अगर थोड़ा संकोच कर रहे हो बताने से तो शुरुआत मैं कर दे रही हूँ, मैं बहुत करती हूँ नशा, क्योंकि क्योंकि मुझे पता है नशा करना बुरी बात। मैं बहुत करती हूँ नशा, थोड़ा नहीं बहुत करती हूँ, एक भी दिन छोड़ती नहीं हूँ, हर रोज करती हूँ। नशे कितनी प्रकार के होते हैं, दो दो, पहला वो जो रात में चढ़ता है और सुबह को उतर जाता है, हम वो नशा नहीं करते ना, वो नशा बेकार है। पहला नशा परिवारों को तोड़ देता है, ये वो नशा है, हम वो नशा नहीं करते। दूसरा नशा वो है जितनी बार खाटू जाते हैं उतनी बार चढ़ता ही जाता है, हम वो नशा करते हैं। सभी तो कहते बात हो गई। पंजाब में कहते हैं जिनके हाथ थल्ले, थल्ले मतलब नीचे, जिनके हाथ थल्ले उनके कुछ नहीं पहना, और जिनके हाथ ऊपर नदी, तो जरा दोनों हाथ लेके लहराते हुए
खाटू। लेकिन कुछ लोग जो नहीं गए उनको पता भी बताना जरूरी है। दो मिनट के लिए उसके यहाँ का पता सुन लो, उसके बाद में जैसा आप सबकी इच्छा। उसके यहाँ का पता, मेरे सांवर को बंगे लो, मेरे सांवर को बंगे लो, मेरे सांवर की कोठी। क्योंकि मैंने देखो, मैंने शुरू में ही बोला कि अब राजनीति धार्मिकता की ओर जा रही है, तो धार्मिकता किस कदर है ये पूरी तरीके से दिखाना जरूरी है। एक बार प्रेम से खाटू Thank you.
वाले भी इसी जोश के साथ बोलो, बोलो हारे के श्याम प्यारे की। खाटू कौन कौन हुआ है एक बार फिर बताओ। सीढ़ियां कितनी है? 13। अभी हम कहां पे हैं? खाटू। मुंगावली में नहीं हो? कौन कौन खाटू में है? और जिन्होंने हाथ भी उठाए वो मुंगावली में है। सीढ़ियां कितनी है? 13। अभी हम पहली सीढ़ी पे आ गए। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब हम बीच में आ गए। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब हम आ गए 12वीं सीढ़ी पे। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब हम आ गए 13वीं सीढ़ी पे। अब बोलो, अब क्योंकि बाबा के दरबार में रश बहुत होने लगा है, बहुत ज्यादा अपार संख्या में प्रेमी पहुंचने लगे। अब क्योंकि मुंगावली के भगत है, कभी दाएं से देखा दिखे को नहीं, कभी बाएं से देखा दिखे को नहीं, मुंगावली के ना, तो एक बार को उछल के भी देखा, इनके बार दिख गए लेकिन एक झलक। और जैसे ही बाबा दिखे, प्रेमी बोला बाबा से, ओ बाबा। पीछे वाले जो हर बार आते थे उन्होंने बोल दिया कि अब तक तो मैं गया, अब तो ये भी गया। बोला उसने पूछा हुआ क्या, इतनी तेज तेज क्यों बोल रहा है? प्रेमी बोला दिल चोरी साडा हो गया। दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में, दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में, दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में, दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में, और मैं भी दीवाना हो गया खाटू के मंदिर में, और मैं भी दीवाना हो गया खाटू के मंदिर में। Thank you.
आपको यही मेरे लिए बहुत है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। जादू तो ना कर देता ऐसा है ये जादू पर, जादू तो ना कर देता ऐसा है ये जादू पर, विश्वास नहीं कर मेरा तो जाते देखो एक बार, विश्वास नहीं कर मेरा तो जाते देखो एक बार, जादू तो ना कर देता ऐसा है ये जादू पर, जादू तो ना कर देता ऐसा है ये जादू पर, विश्वास नहीं कर मेरा तो जाते देखो, एक बार आप भी लगा दो चक्कर ना।